ये सरकार चल रही है। आप कले लड़िया और एक बड़ी वीडी साजिश के तहत चुनाव कामयाब था, क्योंकि इन्होंने लोगों को पता से कि श्रोमणी अकाली दल का खत्म हो जा रहा है और कांग्रेस पार्टी का पूरे हिंदुस्तान चो खत्म हो रही है। जिदा वाकई उन्हों का झूठा खाते करता है, पर यह जो आम आदमी पार्टी है अज सानू इनका जो फेल है जो बोलने की लोड़ है ये पार्टी जी है कि मर्जी किस तरह की साड़िया भैन बैठी हैं। अज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप अलग अलग जिले च जाके सरकार दी उपलब्धियां, 8 साल च प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह देश के अंदर बहुत वड्डा परिवर्तन लिया, गरीबों की जिंदगी च परिवर्तन लिया, पूरी चर्चा करन वास्ते निकली है और देश के अंदर असीं जाके दस रहे हैं किस तरह अर्थव्यवस्था नूं मजबूत किया, देश की रक्षा नीति नूं किस तरह स्ट्रोंग किया, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम किस तरह रोशन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी साडा शीर्ष नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर जिथे देश के अंदर लगभग 40 करोड़ गरीबों की जिंदगी में परिवर्तन आया, ये असी नहीं कल्ला कह रहे, आज वर्ल्ड दी अलग अलग एजेंसियां कह रही हैं कि भारत के अंदर गरीबी रेखा तो लगभग 10 करोड़ लोग उपर उठे, गरीब की झोंपड़ी च बाथरूम पहुँचे, गरीब की झोंपड़ी च पानी पीने का पानी पहुँचे, गरीब की झोंपड़ी च रसोई गैस पहुँचे, गरीब की झोंपड़ी च बिजली पहुँची है, गरीब की मेडिकल इंश्योरेंस हुई है, गरीब की एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुई है, देश के अंदर 35 करोड़ ई श्रमधारी हुए हैं, देश के अंदर 40 करोड़ लोगों जनधन के राही जनधन योजना च लिया गया, उन्होंने बैंकिंग उन्होंने जोड़िया गया, देश के लगभग 11 करोड़ किसानों लगभग 10 करोड़ कुछ 11 करोड़ तो घट किसानों प्रधानमंत्री सम्मान निधि नाल जोड़िया गया, देश के अंदर महिलावां वास्ते बहुत वड्डा काम होया, चाहे वह मृत्यु दर जड़ी मैंने याद है कि 22 जनवरी 2015 च प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का काम शुरू किया सी और अज उस भी बहुत वड्डा परिवर्तन लैके आंदा है, हर क्षेत्र के अंदर बहुत ज़्यादा काम होया और पंजाब च तुसी देखो IIM पंजाब च एम्स पंजाब च हॉस्पिटल पंजाब तुहाड़े इस छोटे जे क्षेत्र के अंदर हुशियारपुर च एक मैडिकल कॉलेज कपूरथला च एक मैडिकल कॉलेज एक लंबी लिस्ट है सड़कों के जाल की रेलवे के जाल की जिन्हों प्रधानमंत्री जी ने किया और देश के अंदर 200 करोड़ वैक्सीनेशन उन्होंने की है और एक भी जिन्हों इंजैक्शन लगा और को पैसा नहीं लिता गया, बड़ी अच्छी लड़ाई देश ने लड़ी है और देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें लीड किया, आत्मनिर्भर भारत हो हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने बहुत काम किया और आज 8 साल की उपलब्धियों से भी मैं थोड़े को भी जिस तरह अभी जनता को जा रहे हैं उस तरह अभी प्रेस को आए हैं हाथ जोड़ के थोड़े की बेनती है कि देश के गौरव की गाथा जोड़ा 200 करोड़ इंजैक्शन हिंदुस्तान च पैदा होया हिंदुस्तान के लोगों को विश्व के किन्ने देशों से अभी भेजे ये भारत के गौरव की गाथा, पूरा विश्व आर्थिक रूप से चरमरा रहा है ड्यू टू कोविड असी आर्थिक रूप से उभर के आ रहे हैं, यह देश के गौरव की गाथा है भारत के गौरव की गाथा, देश के अंदर गरीबी घटी है गरीबी रेखा तो लोग उपर उठे हैं भारत के गौरव की गाथा है और असी अगे बढ़ना है पूरे देश ने अगे बढ़ना और प्रधानमंत्री मोदी जी दिन रात तपस्या करके भारत को अगे पहुँचा। ऐसा है कि पंजाब गैंगस्टर्स की कर्म भूमि बन गया, पुलिस बड़ी शानदार कहती है इन्हें कैनेडा च लिंक ने इन्हें देहरादून च लिंक ने इन्हें हरियाणा च लिंक ने इन्हें हिमाचल च लिंक ने इन्हें मध्य प्रदेश च लिंक ने इन्हें राजस्थान हिंदुस्तान की कोई स्टेट नहीं छड़ती भी पुलिस, लेकिन कंट्रोल सेंटर पंजाब बन गया, वो मेरा पंजाब जिहड़ा गभरुआं का पंजाब सी जिहड़ा मुटियारां दी चुस्ती का पंजाब सी जिहड़ा सैनिक दिंदा सी जिहड़ा देश दे विच अर्ध सैनिक बल दिंदा सी जिहड़ा देश की खड़क कवांदा सी उस पंजाब नूं अज नज़र लग गई वो अज गैंगस्टरां दा पंजाब है। नज़र बहुत देर पहले लग गई थी जो गठबंधन जोड़ सेगा पंजाब नशा सब तो वड्डी देन जिहड़ी है
गठबंधन जोड़ दिया। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहे गठबंधन जीती या गठबंधन तो बाहर तुझी साड़ी लीडरशिप चाहे हो तो कमल शर्मा लीड कर रहे सी ते चाहे रजिंदर भंडारी लीड कर रहे थे तीक्षण सूद लीड कर रहे थे असी हमेशा ही इन्होंने विषयों को उठाया और इन्ह विषयों से लड़ाई लड़ी है। ईवन अमित शाह जी ने पंजाब के अंदर आके नशियां के खिलाफ रैली की देश के प्रधानमंत्री जी ने 16 दिसंबर 2014 नूं मन की बात च पंजाब के नशे के दर्द की चर्चा की और असी अज भी कमिटेड हाँ जिन्हें कमिटेड उदो सा और असं लड़ांगे भी और पंजाब चो नशे नूं समाप्त करना से नशा माफिया समाप्त करना से और इसते केवल माफिया ही नहीं नौजवानों का मोरल बूस्ट करना पेगा नौजवानों नूं खड़ा करना पेगा। भारतीय जनता पार्टी का कारकुन पिंड च भी जाएगा कॉलेज च भी जाएगा उन्होंने ट्रेंड भी ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी भारत के संविधान च यकीन रखती है भारतीय जनता पार्टी सारे धर्मां पंथां च यकीन रखती है भारतीय जनता पार्टी की सोच सब का साथ सब का विश्वास सब के प्रयास के नाल है। किसी भी धर्म के उत्ते टिप्पणी करना किसी भी धर्म के बारे अपशब्द कहना और साड़ी पॉलिसी का हिस्सा आम आदमी पार्टी के कांग्रेस के दरमियान लगता नहीं भी किसी तरह चलती पी है जिसका जरिया कि बिजनेस में बनाया जा रहा है। ऐसा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी इस वेले मैं पूछना चाहना थोड़े राही मैं स्टेज तो भी किया कि पंजाब के अंदर 88 दिन तो रेत की उगराई कौन कर रहा है जे तुम नवी पॉलिसी नहीं लिया रेवन्यू वध्या नहीं तो रेत की उगराई कौन कर रहा है बजरी की उगराई कौन कर रहा है ट्रांसपोर्ट माफिया तुम अपने कौन से और लिखे अपना मैनीफेस्टो वो कौन अज रन कर रहा है जे तुम पॉलिसी नहीं लिया रेवन्यू वध्या नहीं तो पैसा किरी जेब च जा रहा है क्या सिंडीकेट क्या लुटेरे उस लुट रहे सरगना बदले थामू बदल गए पहले कोई महीना लै रहे थे अज कोई महीना लै रहे पंजाब और तो कढ़ना पेगा। इस तरह कि हिंदुस्तान के अंदर अज भी महंगाई तो असं कंट्रोल करके रख्या होया जो पेट्रोल डीजल के दाम पूरे विश्व के अंदर वधे भारत की सरकार ने 3 बारी अपने टैक्स रिड्यूस करके आम जनता को राहत दी। सर 2024 के इलैक्शन नूं लैके 2024 के इलैक्शन नूं लैके सारा कुछ हो रहा उपलब्धियां सरकार दीआं कीतीआं जा रहीआं दूजे पासे जिहड़ा हैगा वा ओम प्रकाश जी नाल बैठे आ इन्होंने की कीता ऐसा कि तुसीं इह गल बिल्कुल ना कहो मैं तुहानूं कहूं कि ते डेट बंदे टाइम दस दांगा असीं हर साल 26 मई 2014 तो बाद हर साल 26 मई तो लैके लगभग 15 जून तक हर जिले से जाके अपना रिपोर्ट कार्ड मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड रखन जाने और इतने भी हुशियारपुर के अंदर मैं दसो मेडिकल कॉलेज कदों आया कौन लैके आया कपूरथला इसे लोग सभा हिस्सा मेडिकल कॉलेज कौन लैके आया सर ऐसा सर देखो ऐसा है ना असी घोषित करता पैसा भेजता स्टेट गौरमेंट ने और उद्घाटन रोक दिता साड़ी सरकार सेंटर की सरकार की रिपोर्ट है ये गल मैंने तुम्हें पूछी है बहुत अच्छी गल है लेकिन जाके भगवंत मान साहब को पूछो कि केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेज 2 घोषित किए ने तुसी उन्हें लगन क्यों नहीं दे रहे अज तुसी सोचो 2014 च असी और घोषणा की सी फिरोजपुर की मैंने याद है कमल शर्मा जी 2015 सैटेलाइट जरा सेंटर 400 करोड़ रुपए का बन रहा वो अज जाके मोदी साहब उदो 5 जनवरी उद्घाटन कर आ रहे थे वो भी नहीं कर दिता अज तुसी सड़क देखो इतों टांडे तो जा रही उरमुर तक तां सड़क इतों फवाड़े जाने की तां सड़क 40,000 करोड़ रुपया सड़कों का जाल मोदी साहब के टाइम आया मैं माफ़ी चाहना मैंने जाना पैना मेरी फ्लाइट है ऐसा है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जिनी थंपिंग मेजोरिटी दी सी और कोलों पंजाब के अंदर रिजल्ट नहीं दिते गए चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो देखो बड़ा बुरा टाइम भी देखा सी पंजाब लेकिन कभी भरा भरा लड़ते नहीं देखे असं पटियाले पहली बार अपनी जिंदगी मैं 51 साल की जिंदगी पहली बार वो देखे मैं पहली बार देखा कि पंजाब के पुलिस हैडक्वार्टर से रॉकेट लॉन्चर ना हमला हो रहा और पंजाब की पुलिस सुती सानू इन कंट्रोल करना पेगा और मिलके पंजाब वास्ते जो भी डिमांड अज भगवंत मान साहब ने की
सुरक्षा बलों की सी दी, लेकिन जमीन पर तो कम असी करना पेगा। पटियाला अगर एस पी निर्णय लेंदा टाइम सिर, एस एस पी निर्णय लेंदा, पंजाब की सरकार निर्णय लेंदी टाइम सिर, ये हालात ना बन। सर की तुसी मानदे हो, सर सर की तुसी मानदे हो कि जेड़ा जेड़ा बंदा घबला करूगा मुड़ के बीजेपी च आ जाऊगा? अज दा दिन असी नितिन भाई मोदी जी दे 8 साल पूरे मोटे साडा नरमा कर ले करके होए आ। 8 साल दा समा एक सुनहरी समा सी जिन्होंने एक नवी दिशा दी, नवी सोच दी। पहला एक निराशा का दौर सी, नकार सोच का दौर सी, फिर वड्डे वड्डे स्कैम होए, बहुत बड़ी करप्शन हुई, बहुत सारे काम स्कैम और इंडिकेटर गए। उस तो बाद नितिन भाई मोदी जी ने 2014 में आए और गरीबों की भलाई, गरीबों का कल्याण सब तो प्रमुख बिंदु रहा हर स्कीम रोड पे।